नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन YouTube चैनल पर। सॉल्विंग अ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी से, बेसिक सिंबल से वो पहले समझते हैं। कंसिडर अ ट्राइंगल ए बी सी, द जनरली वर्टाइसेस आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ए बी सी। इनके अपोजिट जो साइड्स होगी वो स्मॉल लेटर से, अल्फाबेट से। तो एंगल ए के अपोजिट साइड स्मॉल ए, एंगल बी के अपोजिट साइड स्मॉल बी, एंगल सी के अपोजिट साइड स्मॉल सी। तो ये जो सिंबल्स दिख रहे कैपिटल ए बी सी, मतलब थ्री एंगल्स, एंड स्मॉल ए बी सी थ्री साइड्स, आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ अ ट्राइंगल। और ये सिक्स एलिमेंट्स में यदि हमारे पास कोई थ्री एलिमेंट का सेट हो जिसमें एटलीस्ट वन साइड एलिमेंट हो, तो हम बचे हुए थ्री एलिमेंट्स डिटरमाइन कर सकते हैं। और ये एलिमेंट्स डिटरमाइन करना ही सॉल्विंग अ ट्रायंगल कहलाता है। तो ये जो अभी एक्सप्लेन किया इसको लिख लेते हैं। कंसीडर अ ट्रायंगल ए बी सी एज शोन इन फिगर। देन द सिंबल्स for angles capital A, B, C and sides small a, b, c are called six elements of a triangle A, B, C. If we have any three elements set of any three elements having at least one side element, then we can find other three this is called solving a triangle this is called solving a triangle elements of a triangle find karne ke liye means solution of a triangle find करने के लिए various rules are there। तो उसमें पहला rule है sign rule। The statement of sign rule is in triangle ABC A upon sin A, ऐसा पढ़ा जाता उसको, लेकिन इसको ऐसा पढ़ना चाहिए A proportional to sin A is equal to B proportional to sin B is equal to C proportional to sin C is equal to 2R। ये ratio and proportion वाली बात है, ये quotient नहीं है, numerator upon denominator नहीं है, ratio and proportions है। Where capital R is the circumradius of triangle ABC। इसको proof करेंगे। Proof, सबसे पहले तो triangle वो draw कर लेते हैं। Consider a triangle ABC ABC। जनरली जब नाम लिखा जाता है ट्रायंगल का तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखा जाता है, जो भी वर्टेक्स जहां कहीं से भी लिखना हो
जनरली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखा जाता है, बिकॉज मैथमेटिक्स में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव डायरेक्शन। अभी ट्रायंगल लेने के बाद कोई भी प्रकार का ट्रायंगल हो सकता है, ये ट्रायंगल लेने के बाद हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं अपोजिट साइड पर बीसी पर, इसका नाम देते हैं डी। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ए डी ऑन बी सी। अच्छा, जब ट्रायंगल ड्रॉ किया तो ट्रायंगल के जो स्टैंडर्ड नोटेशन है वो तो सब रहेगी, ए के अपोजिट वाली साइड यानी बी सी इज ए, सी के अपोजिट साइड इज स्मॉल सी, बी के अपोजिट साइड इज स्मॉल डी। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद में ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर करते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल ये लेते ए डी बी, ए डी बी। अब हमारे पास थ्री साइड्स तो है, ये जो नई साइड हमने नई परपेंडिकुलर ड्रॉ की ए डी वो नहीं है, तो उसको जरा फाइन करते हैं। तो बी के अपोजिट साइड है ए डी, तो साइन बी क्या होगा, देखो साइन बी इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट इज ए डी, हाइपोटेनस इज ये ए बी विच इज इक्वल टू सी, तो इसको स्मॉल सी लिख देते। तो दिस इंप्लाई ए डी इज इक्वल टू सी साइन बी। ये जो हाइट दिख रही है ट्रायंगल की वो आ गई सी इंटू साइन बी। अब बेस हमारे पास है, हाइट हमारे पास है, हम एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात कर सकते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू बेस, बी सी दिख रहा है, हाइट ए डी, दैट इज हाफ बी सी इज ए और ए डी हमने फाइंड किया सी साइन बी। अच्छा, लिखते समय ए और बी स्मॉल नोटेशन तो चलो ठीक है, समझ में आते हैं, कैपिटल ए और बी से डिफरेंट दिखते हैं, लेकिन जब स्मॉल सी और कैपिटल सी यूज करना हो तो कैपिटल सी फॉर एंगल स्मॉल सी फॉर साइड, तो उनमें फर्क दिखने देना। तो यहां पर स्मॉल सी साइड का काम कर रहा है, साइन बी एंगल का काम कर रहा है बी। तो एरिया को, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ये आ गया हाफ ए सी साइन बी। तो दिस इंप्लाई टू टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू ए सी साइन बी। अब हमने यहां पर साइन बी की बात की थी तो हमको इस तरह का रिजल्ट मिला, साइन ऑफ बी के टर्म में ए डी मिल रहा है। यदि हम एंगल सी की बात करते तो ये जो ए डी है ये साइन सी के टर्म में आता था, और जो परपेंडिकुलर हमने ए से बी सी पर ड्रॉ किया ऐसा परपेंडिकुलर बी से ए सी पर ड्रॉ हो सकता था, सी से ए बी पर ड्रॉ हो सकता था। तो ये पूरा डिस्कशन करने के बाद यहां पर एक पैटर्न समझ में आता है, ये ध्यान से देखिएगा। टू टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज स्मॉल ए स्मॉल सी इंटू साइड ऑफ बी, मतलब दो साइड है ए और सी, और जो बची हुई है उसका अपोजिट जो एंगल है उसका साइन। तो सिमिलरली वी कैन राइट, सिमिलरली वी कैन हैव टू टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू स्मॉल बी स्मॉल सी, ये दो साइड लिया तो साइन ए, एंड टू टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू सी के साथ ए हो गया, सी के साथ बी हो गया। ओके, अब ए के साथ बी का कॉम्बिनेशन बचा हुआ दिख रहा है, तो ए बी साइन सी, ये तीन कॉम्बिनेशन
पता दिख रहा है, देखो ए बी सी क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ए बी ए सी और बी सी, तो तीनों कॉम्बिनेशन ले लिए, ए बी ए सी और बी सी। अब लेफ्ट हैंड साइड में तीनों के टू टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है, तो ये तीनों जो राइट हैंड साइड है ये इक्वल होगी, तो देयरफॉर वी ऑब्टेन ए सी साइन बी इज इक्वल टू बी सी साइन ए इज इक्वल टू ए बी साइन सी। दो साइड का प्रोडक्ट है, दो साइड का प्रोडक्ट है, दो साइड का प्रोडक्ट है। हमको रिजल्ट कुछ ऐसा चाहिए, साइन ऑफ एंगल और उसके प्रोपोर्शन में उसके अपोजिट साइड। तो यहां जो दो दो साइड का प्रोडक्ट है इसको हटाने के लिए हम तीनों साइड के प्रोडक्ट से डिवाइड कर देते, डिवाइडिंग बाय ए बी सी वी गेट ए सी डिवाइड हो गया साइन बी प्रोपोर्शनल टू बी साइन ए, बी सी डिवाइड हो गया ए बताओ साइन सी, ए बी डिवाइड हो जाएगा सी बचेगा, और इसको रेसिप्रोकल करने पे दिस इंप्लाई ठीक भी कर लेते साथ साथ में, ए प्रोपोर्शनल टू साइन ए इज इक्वल टू बी प्रोपोर्शनल टू साइन बी इज इक्वल टू सी प्रोपोर्शनल टू साइन सी। इसको कुछ नंबर दे दो, एक पार्ट तो प्रूव हो गया, थ्री रेशोज आर इक्वल। अब ये तीनों रेशो इक्वल टू टू आर है ऐसा शो करना है, वो सेकेंड पार्ट में देखते हैं। इसके एक पार्ट प्रूव हो गया है, अब ऑल दिस थ्री रेशोज आर इक्वल टू टू आर ये शो करना है। नेक्स्ट टू शो ऑल द थ्री रेशोज, इसको नंबर दिया हमने वन, इन वन आर इक्वल टू 2R, where R is the circumradius of triangle ABC. तो circumradius का मतलब क्या है? Circumradius का मतलब circle का radius. Circumcircle मतलब ये ट्रायंगल के वर्टाइसेस को ज्वाइन करने पर जो सर्कल तैयार होगा। तो ड्रॉ कर देते एक रफ फिगर, जरा ड्रॉ कर देते सर्कल, ठीक है, वर्टाइसेस से पास होने वाला सर्कल, सर्कम सर्कल, और उसका जो रेडियस होगा वो रेडियस कहलाएगा सर्कम रेडियस। तो पहले तो सर्कम सर्कल के बारे में लिख दे, दी सर्कम सर्कल इज द सर्कल पासिंग थ्रू थ्रू वर्टाइसेस ए बी सी हैविंग ट्रायंगल ए बी सी इनसाइड, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी इनसाइड। अब ट्रायंगल ए बी सी की जब हम बात कर रहे हैं तो वी नो दैट एडिशन ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब कोई एक एंगल तो ऐसा होगा जो 90 डिग्री का नहीं होगा, ध्यान से सुनिएगा, तीनों का एडिशन 180 डिग्री होना है, तो एक 90 हो भी गया तो दूसरा 90 नहीं होगा, क्योंकि फिर तीसरा एंगल मिलेगा कहां पर। तो एक यदि 90 कोई एक एंगल ऐसा होगा जो 90 डिग्री का नहीं होगा, तो सपोज कर लेते कि ए इज ऑफ नो 90 डिग्री एंगल, और यहां से हम एक डायमीटर ड्रॉ करते, ए से डायमीटर ड्रॉ करते, ठीक है, देन
एटलीस्ट वन एंगल मस्ट नॉट बी 90 degree. सपोज दैट ए एंगल ए इज नॉट अ राइट एंगल. तो ड्रॉ डायमीटर फ्रॉम ए, ड्रॉ अ डायमीटर ए पी फ्रॉम ए एज शोन इन फिगर. डायमीटर ड्रॉ कर लेते ए पी, ये सर्कल है, जो डॉटेड पोर्शन दिख रहा है सर्कल है, पूरा फ्री हैंड से सर्कल ड्रॉ करना होगा ए पी. अब ये पी सी को ज्वाइन कर देते हैं, ऑल्सो ज्वाइन पी सी. नाउ ट्राइंगल ए बी, एंगल ए बी सी मतलब ये, और एंगल ए पी सी यानी ये दोनों एंगल इस आर्क पर इंस्क्राइब होते दिख रहे हैं, आर्क इस आर्क पर इंस्क्राइब होते दिख रहे हैं, एंगल ए बी सी और एंगल ए पी सी ये आर्क पर इंस्क्राइब होते दिख रहे हैं, सेम आर्क पर इंस्क्राइब होने वाले एंगल इक्वल होते हैं, इतना मेंशन करते हैं. अब जैसे हमने पीसी को ज्वाइन किया, तो पीसी को ज्वाइन करने के बाद में ये डायमीटर है, यानी ये सेमी सर्कल हो गया, इधर हाफ और एंगल ए सी पी ये राइट एंगल बन जाएगा, है ना. सेमी सर्कल में कोई भी यदि हम एंगल की बात करें, डायमीटर जिसका साइड होए, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा. तो जैसे पी को सी से ज्वाइन किया, देन एंगल पी सी ए इज 90 degree. ऑल्सो एंगल ए बी सी एंड एंगल ए पी सी ये दोनों इंस्क्राइब आर इंस्क्राइब इन सेम आर्क, सेम आर्क ए सी ये स्मॉल ए सी. तो देयरफॉर बाय रिजल्ट्स एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी, दोनों एंगल सेम हो जाएंगे, एंगल बी और एंगल पी. अब एंगल बी तो फाइंड नहीं हो पाएगा ये इसके रिफरेंस में, इसकी बात कर सकते हम, पी की बात कर सकते हैं. इसका जो रेडियस होगा, लेट दैट रेडियस बी, लेट रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल पी आर, देन ए पी डायमीटर है, डायमीटर ए पी इज इक्वल टू 2 times r, ये भी मिल गया. तो r के टर्म में ये b एंगल से काम नहीं होगा, फिलहाल हम p एंगल से काम करते हैं. तो देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल p फाइंड किया जा सकता है, जिसका हाइपोटेनस 2r है यानी ap है. तो ये ट्रायंगल में एंगल p इवेल्यूएट कर लेते इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी पी. ए सी पी जब भी राइट एंगल ट्रायंगल लिखने की बात हो, तो जनरली जो राइट एंगल है वो बीच में लिखा जाता है. साइन ऑफ पी इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड है बी और हाइपोटेनियस इज ए डी, सॉरी ए पी, हाइपोटेनियस इज ए पी.
which is equal to b upon 2r, ये यहाँ से 2r, तो sin p is equal to b upon 2r आ गया, और ये दोनों एंगल सेम थे, तो therefore sin b is same as sin p is equal to b upon 2r, कहाँ से आया ये, इसको कुछ नंबर दे दो, using 2, एंगल b is equal to एंगल p, तो sin of एंगल b will be equal to sin of एंगल p, अब sin b की वैल्यू b upon 2r दिख रहा है, तो this imply b upon sin b is equal to 2r, ये दोनों रेशो को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, तो b upon sin b is equal to 2r, इसको नंबर दे दो 3, और यहां पर वैल्यू पुट कर देते, तो यूजिंग 1 एंड 3 सारे रेशो इक्वल है, और ये रेशो 2r के बराबर है, तो यूजिंग 1 एंड 3 वी गेट ऑल द 3 रेशोज आर इक्वल टू 2r, a by sin a is equal to b by sin b is equal to c by sin c is equal to 2r. This completes the proof. Of sine rule. आज के लिए इतना ही, कल हम different forms of sine rule ये पढ़ेंगे और इस पर based exercise के problems solve करेंगे. Till then, take care, bye bye, जय गणित.